2000 रुपए के नोट को वापस लेने के आरबीआई के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे काला धन पर एक और प्रहार बता रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही आरबीआई के इस फैसले को चुनाव से जोड़ दिया गया है। बंदी पर सियासत जबरदस्त, बीजेपी ने कहा काला धन पर एक और प्रहार। जेएमएम का आरोप, ये केंद्र का हिडन एजेंडा। कांग्रेस ने पूछा, जब बंद करना ही था तो लाया ही क्यों। आरबीआई ने 2000 के रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है, लेकिन आरबीआई के इस फैसले के बाद सियासत जबरदस्त हो रही है। विपक्ष बीजेपी के साथ केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। जेएमएम ने कहा है कि नोटबंदी केंद्र सरकार का हिडन एजेंडा है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव को लेकर 2000 के नोट बंद किए गए हैं। देखिए, 2016 में भी नोटबंदी हुई थी, तर्क तो उस समय भी दिए गए थे, क्या उग्रवाद कम हुआ, काला धन वापस आ गया, ये सब बेतुकी बातें हैं। सब जो इस तरह की निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा होता है, राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ पूंजीपति मित्रों को उपकृत करने का प्रयास होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो नोटबंदी करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई बड़े राज्यों में चुनाव हैं। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव ये लोग हार चुके हैं, हर मुद्दा इन लोगों का कर्नाटक में फेल हो गया है, तो अब ये सरकम टांसेस से अब ये लोग चुनाव लड़ेंगे। 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई, नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा। बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध, अब 2000 के नए नोट नहीं होंगे जारी। 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे 2000 के नोट। 23 मई से 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। एक दिन में 20,000 रुपए मूल्य तक के नोट बदले जा सकेंगे। बैंक खाते में जमा करने के लिए राशि की कोई सीमा नहीं। आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला लिया है, लेकिन ये नोट 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे। ऐसे में बीजेपी इसे ब्लैक मनी पर एक और वार बता रही है। 2000 का जो नोट है, उस वक्त क्योंकि नोटबंदी हुई थी तो नोट जल्दी से छपाई होनी थी। आपको पता है 2017-18 के बाद नोट छपाई नहीं आ जा रहा, बीएनबी भी ये कहा है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो छापे पड़ रहे थे, चाहे बंगाल में छापे पड़ रहे थे, चाहे कर्नाटक में छापे पड़ रहे थे, सभी जगह जो है 2000 के ही नोट बन रहे थे। तो उसमें ब्लैक मनी हो रहा था, फिर काउंटरफिट करेंसी का मामला चल रहा था, टेररिज्म का मनी उससे जा रहा था। इस कारण से 2000 का नोट बंद होना था और मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई और 2000 का नोट चलना भी नहीं चाहिए। 2016 में नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट जारी किए गए थे ताकि 500 और 1000 के रुपए के नोट वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्दी से पूरा किया जा सके। 2000 रुपए के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और ये भी देखा गया था कि इन नोटों को आमतौर पर लेन देन में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में स्वच्छ नोट नीति के तहत आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों का संचालन से वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।